हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जिले के एसपी नरेंद्र बिजाणिया का बयान सामने आया है। उन्होंने हिंसा के शुरू होने की पूरी कहानी बताई है। बताया कि मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की खबरों को लेकर ही लोग आपस में भिड़े। उन्होंने आगे बताया कि हिंसा में 50 से 60 लोग घायल हुए हैं, 80 से 90 गाड़ियों में आग लगाई गई। आशा के साथ बातचीत में एसपी ने बताया, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 31 जुलाई को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी। वहां खबर फैल गई कि भिवानी हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर भी यात्रा में शामिल हो रहा है। इसी को लेकर कहासुनी हुई और फिर हिंसा शुरू हो गई। यात्रा से पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कह रहा था कि वो इस यात्रा में शामिल होने वाला है। उसने बाकी लोगों से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यात्रा के रास्ते में 3 जगहों पर लगभग 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद हिंसा जारी रही। पुलिस ने बताया कि करीब 5 किलोमीटर दूर युवकों के ग्रुप ने जुलूस को रोका। इसके बाद झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते ये झड़प पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। आगजनी भी होने लगी। हिंसा भड़कते ही मेवात क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 2 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। वहीं नूह, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में धारा 144 लगाई गई है। एसपी ने आगे बताया कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जगह जगह पर अर्धसैनिक बल और हरियाणा एसटीएफ को तैनात किया गया है। बताया गया कि डीजीपी खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर नूह के बाद गुरुग्राम जिले के सोहना से भी बवाल की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सोहना के एक बाईपास पर 2 समुदायों के लोगों के बीच पथराव हुआ। 3 गाड़ियों को तोड़ा गया और 1 गाड़ी में आग लगा दी गई। इस दौरान 2 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद वहां पुलिस बल की तैनाती की गई। आज तक से जुड़े नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद के बाहर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मस्जिद के इमाम और एक अन्य शख्स पर चाकू से हमला और फायरिंग की गई। खबर है कि हमले में मस्जिद के मौलाना मोहम्मद साद की मौत हो गई। घटना देर रात की है। उस वक्त मौलाना कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक पथराव और फायरिंग होने लगी। अन्य शख्स के सिर पर लाठी डंडों से हमला कर पैर में गोली मारी गई। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये मोनू मानेसर है कौन। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर हरियाणा में बजरंग दल की गोरक्षक शाखा का प्रमुख है। साल 2011 में मोनू ने बजरंग दल की सदस्यता ली थी। साथ ही वो हरियाणा सरकार की काउ टास्क फोर्स का चेहरा है। इस टास्क फोर्स का काम था मवेशियों की तस्करी और गोकशी के बारे में जानकारी जुटाना और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करना। मोनू की टीम में करीब 50 लोग काम करते हैं। उसकी टीम साल 2017 से काफी एक्टिव है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टीम हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। सोशल मीडिया पर मोनू के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर विवादों में रहता है। कई विवादित बयान भी सामने आते रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर लोगों को पीटते हुए वीडियो डालता है। खतरनाक हथियारों के साथ उसकी कई फोटो मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ भी उसकी करीबी बताई जाती है। इससे पहले मोनू पर आरोप लगा था कि उसने कथित तौर पर गो तस्करी कर रहे वारिस नाम के शख्स की पिटाई की, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 महीने पहले ही भिवानी हत्याकांड मामले की FIR में मोनू मानेसर का नाम शामिल किया गया था। फरवरी में एक बुलेरो गाड़ी से 2 नर कंकाल मिले थे। बताया गया कि जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया था। दोनों राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी ज्योति ने। मैंने हारिका यादव। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। Parts of India, including the capital, New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. Allah aapki ek dua kabool karega. Kya dua mangoge? Allah agar paani the, ek sukh do mujhe. महिला को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता होना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नहीं, 4 गेड़ा, 5 गेड़ा, 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 90 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी ही भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है।
सारे हाई लेवल के केमिकल्स डाल। रात एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों उस पानी की वजह से। कमाने वाला एक और पानी पीने वाले दस, ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं। और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। घर दीजे। पढ़ना चाहती थी, पढ़ना बहुत चाहती थी, स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या, क्या पानी नहीं ला सकता। ओ जड़ घर के सो आनंद हो।